इसका निर्णय सरकार के स्तर पर ही किया जाना है। यहाँ पर संगठन की तरफ से हमको ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग को एक ज्ञापन भेजा जाएगा और इस उम्मीद के साथ कि इनकी मांगों पर विचार करते हुए मतदान किया जाए ताकि जो पिछले कई दिनों से लाठीचार्ज भी की गई है, लेकिन चूंकि जो मेरे स्तर से ही अनुमति दी गई थी धरना प्रदर्शन करने की जाकिर हुसैन पार्क और कुछ सेविकाओं के द्वारा जो प्रतिबंधित क्षेत्र है राजभवन की तरफ मार्च किया गया, तो उनको पहले रोका गया और फिर थोड़ा हल्का प्रयोग महिला पुलिस के द्वारा किया गया। घायलों का इलाज हम लोग रिम्स में किया जा रहा है और जो भी इलाज के लिए हमारी तरफ से सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये भी एश्योरेंस हमारी तरफ से सभी सेविकाओं को दिया गया है कि बेहतर से बेहतर इलाज होगा और उसमें कोई कमी नहीं। ये सरकार जान रही है हम बीएलओ का काम करते हैं और हम बीएलओ का काम को बाधित करेंगे और आने वाले चुनाव में हम सरकार को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी कार्रवाई के आश्वासन भी दिए गए, अभी हम लोग राजभवन जाएंगे, सर पे हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि इतना दिन से हमारे लिए सब चीज वो उपाय किए हैं, सेविका बीमार हो रही है उसके लिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल का ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब 40 दिन में हम लोग जब उग्र हो गए हैं तब फिर सर हमारे पास आए और हमसे बात की। लाठीचार्ज घायल भी हुए हैं, लाठीचार्ज में बहने घायल हुई है और वो ठीक है हम गलती किए क्योंकि हमारी जो हम हद जो था वो पार हो चुका, हमारे सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए हम लोग आगे बढ़े कि सरकार शायद हमारी बात को सुनेगी और जो भी निर्णय लेगी हम उसे सुन के वापस हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे जेंट्स पुलिस हम सेविका बहनों पे लाठीचार्ज किए, भद्दे भद्दे गालियां भी दी है और वैसे पुलिस कर्मी को हम चाहते कि वो सस्पेंड कर दिए जाए। महिला जवान थी, हम राजभवन जा रहे हैं क्योंकि सर हमारे बोल चुके हैं कि आपकी जो भी मांग है हम उसे आगे बढ़ाएंगे और विचार करेंगे, लेकिन हम विचार पे नहीं मानने वाले हैं, हमारी वो लिखित मिलना चाहिए या फिर हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर वो बोल दे कि हम नहीं देना चाहते तो भी हम हड़ताल जारी रहेगी क्या कुछ।